ब्रह्मा विष्णु और शिव क्या एक हैं या अलग हैं? कृपया इस पर रोशनी डालिए। माइथोलॉजी के साथ अगर हम चलते हैं तो तीन को उन्होंने एक कैरेक्टराइजेशन दी गई है। जैसे छोटे बच्चों की क्लास में का ख ग घ सीधा ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है। का है तो कबूतर है, खा है तो खरगोश है, गा है तो गणेश है। हाँ, फिर एक सेक्युलर सरकार आई, बोली नहीं, गा गणेश नहीं पढ़ाओ, गा गदा पढ़ाओ। गा गधा पढ़ाया गया। वैसे जिन जिन पीढ़ियों को गा गधा पढ़ाया गया वो तो का ख ग को पढ़ाना लक्ष्य था, लेकिन इस वर्णमाला को कराने के लिए आकृतियों का, पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं होता कि का कबूतर ही है, का कौआ भी है, का कोयल भी है, का काकी भी है, का कुआं भी है, का से तो बहुत कुछ है। लेकिन एक सिग्निफिकेंस बनाने के लिए बच्चे के मन में एक इमेज से उस वर्णमाला के साथ, उन अक्षरों के साथ संबंध जल्दी जुड़ जाता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ ऋषियों ने उसी अस्तित्व को, प्रकृति में जो कार्य हो रहे हैं उनको, ये सब को स्थापित करने के लिए ब्रह्मा की एक शक्ल, विष्णु की एक आकृति वो दी। पर जब आप पुराण पढ़ेंगे ना, तो पुराण में कभी कभी वो इतने मानवीय लगते हैं, जिससे पार्वती जी गुस्सा हो जाती है बात बात पे। सती थी तो गुस्सा हुई, पार्वती तो गुस्सा हुई, मत्स्य बनी तो गुस्सा हुई। तो ऐसे उनके कई जन्म उनके गुस्से की वजह से हुए। पिता दक्ष से बहुत आसक्ति थी एक जन्म में जब सती थी वो, तो उस कारण से उनको बहुत कष्ट भोगने पड़े, अपने अपने लिए भी, और महादेव से उनका डिफरेंस जो बना वो, और उनको अलग भी होना पड़ा। ये भी हम सब सुनते पढ़ते। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये कहीं आकाश में रहने वाले, अपने अपने लोकों में रहने वाले ये कोई दिव्य पुरुष हैं, या कि ये ऐसी शक्तियां हैं जो कि प्रकृति में रहते हुए प्रकृति के उस सिस्टम को चला रही हैं, और उस सिस्टम को समझाने के लिए इन पर्सनालिटीज के द्वारा समझने की चेष्टा की गई। अगर हम बहुत पहले का अपना वेद का अगर हम देखते हैं, तो उसमें जब देवताओं की बात आती है, कि यज्ञ की बात आती है, कि वरुण को आहुति, इंद्र को आहुति, देव को आहुति दी जा रही है, तब उसका भी एक चाइल्डिश वर्जन है कि आकाश में ये देवता रहते हैं, उनको हम यहाँ आहुति देंगे, और वो अग्नि के घोड़े पर बैठ करके वो उन सब देवों तक पहुँच जाती। आज भी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो यही सत्य मानती है। लेकिन हमारे ऋषियों का मकसद कुछ और था। अब जैसे अगर हम ये कहें कि एक साइंस की अगर हम बात करें, तो अणु का माँ और बाप कौन है? वेरी वियर्ड क्वेश्चन। इफ आई से हु आर पेरेंट्स ऑफ एटम, हु गिव बर्थ टू एटम?
So the scientific answer would be there. This is not some physical, biological happening where you can find a parent. So atoms are there just because they are there. They never died, they were never born. They are just there. तो कुछ ऐसा ही महादेव के लिए कहने महादेव के माँ पिता कौन बोले कोई नहीं विष्णु के कौन बोले कोई नहीं तो जो सिंबलिज्म है ना उस सिंबलिज्म के जरिए सृष्टि के बनने चलने मिटने की इस प्रोसेस को समझाने के लिए ये सब सिंबलिज्म का इस्तेमाल होता है पर शंकराचार्य के बाद ये जितने प्रमुख भक्ति के आचार्य हुए चाहे वो स्वामी रामानुजाचार्य हों वल्लभा आचार्य हों मध्वा आचार्य हों इन सब ने भक्ति के ऊपर जोर दिया शंकर तो अद्वैत पर जोर देते अद्वैत स्थापित करते हाँ लेकिन रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के इस कथन को कहा कि नहीं ये सही नहीं है जीव जीव है ईश्वर ईश्वर क्योंकि जब तक दो की सत्ता नहीं मानेंगे तब तक उनके अंदर भक्ति की भावना कैसे जगाएंगे जनमानस में फिर वल्लभाचार्य आते हैं वो कहते नहीं दो हैं पर स्वरूप से एक हैं पर एक मायापति है और एक माया में फंसा हुआ है फिर चैतन्य आते हैं वो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो उन्होंने अचिंत्य भेदा भेद की स्थापना कर दी तो शंकर के बाद जितने आचार्य हुए इन आचार्यों ने हालांकि पुराण तो वेदव्यास के द्वारा दिए गए हैं जिसे शिव पुराण है विष्णु पुराण है आदि ये जितने 18 पुराण हैं उन पुराण के रचयिता तो एक ही है वेदव्यास अब मजे की बात यह है कि हर आचार्य ने अपने हर पुराण में कि जैसे अगर देवी पुराण है तो शिव विष्णु और शंकर उनको हाथ जोड़ रहे हैं उनकी उपासना और पूजा और स्तुति गान कर रहे हैं अगर वो विष्णु पुराण है तो देवी शंकर और ब्रह्मा और इंद्र वरुण आदि वो उनकी उपासना कर रहे हैं तो जिस जो हीरो है बाकी सबको उसके नीचे कर दिया लेकिन पुराण इतना गहरा सिंबलिज्म इस्तेमाल करता है इसलिए पुराण समझना और भी कठिन है लेकिन जनमानस तक इतनी भर बात तो जल्दी पकड़ में आ गई कि सब अवतार विष्णु के 10 अवतार विष्णु के हुए हैं कई लोग उसको जोड़ते हैं कि इट इज़ लाइक जो एक प्रोग्रेशन हुआ इस सृष्टि के बनने का और जीव जंतुओं के बनने का तो उस यात्रा से बड़ा मिलता जुलता ये विष्णु के सारे अवतारों का जो चलन है जो क्रम है वो आ जाता है कि पहले मत्स्य तो अब जो सृष्टि का विज्ञान समझने की कोशिश करते हैं तो कहते जीवन पहले जल में ही हुआ था जल के बाद फिर पृथ्वी पर हुआ है तो इधर मत्स्य बोला मत्स्य के बाद कूर्म बोला तो कुछ सिंबलिज्म ऐसे हैं जो आज के विज्ञान के साथ चल जाएंगे कुछ बिल्कुल नहीं चलेंगे लेकिन है ये यतन प्रयत्न उसी प्रकृति को समझने का और ईश्वर की सत्ता को समझने का पर एक ही सत्ता में तीन अलग अलग काम हो सकते हैं मूल सत्ता एक ही है कार्य तीन हो रहे जैसे हमारे शरीर में एनाबॉलिज्म हो रहा है कैटाबॉलिज्म हो रहा है माने कुछ जीव कोशिकाएं मर जाती हैं कुछ जीव कोशिकाएं नहीं पैदा हो जाती तो ये दोनों काम एक ही देह में तो हो रहे हैं तो जिससे कहो एनाबॉलिज्म हो रहा है बनने का काम हो रहा है उसी को हम शास्त्रीय पुराण की भाषा में विष्णु कह देंगे और ये जो टूटने का मरने का कोशिकाओं का जो काम हो रहा है उसी को हम शंकर कह देंगे तो महादेव यूं तो अगेन एटम के माँ बाप कौन है
पर जो अणुवादी है, जो विज्ञान को समझता है, वो बहुत सी ऐसी चीज़ों के जानने के बाद इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि जो हम स्थूल समझते हैं वहाँ स्थूल तो कुछ है ही नहीं। फिर वो कईयों ने कहा अच्छा तो सूक्ष्म है, फिर अब बात यह हो रही है कि जिसको तुम सूक्ष्म कह रहे हो वो भी तुम्हारे ही मन की प्रोजेक्शन होती है और कुछ भी नहीं। तो आज सच वो कहते जगत है ही कुछ नहीं, एम्प्टीनेस है, शून्य है सब। तो हमारे मन की प्रोजेक्शन से हमको सब कुछ दिख रहा, तो हमारा मन रच रहा है और हमारा मन अपनी ही धारणाओं और विचारों का खंडन कर देता है, छोड़ देता है। तो एक साथ बनना मिटना एक साथ चल रहा है ना। पर जो विष्णु के उपासक हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं, जो शिव के उपासक हैं उन्हें शैव कहते हैं। और लंबे समय से खासकर दक्षिण भारत में वैष्णवों और शैवों की आपस में दुश्मनी चलती है। लेकिन जब हम विष्णु कहें तो वो जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए है, तो शंख माने नाद, नाद किसका, सत्य का, कमल आनंद का सूचक है, तो चैतन्य का, आनंद का सूचक है, ठोसता वो उनका जो चक्र हाथ में कहा है, उसके एक हाथ में चक्र है, तो चक्र माने जो सब दिशाओं में घूमता है, तो ये व्यापकता का सूचक है। तो शंख चक्र गदा, गदा माने सत्य, ठोस होती, गदा वजनदार है, ठोस है, सत्य ठोस है। अर्थात शंख चक्र गदा पदम बोले तो सच्चित आनंद व्यापक, राइट। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कर्तव्य, कि अभी तो तुम कर्तव्य नाम से हो, तो पहले किस नाम से थे, कहां थे, क्या कहोगे? अहम ना जानामि, मुझे नहीं मालूम। पर मुझे नहीं मालूम कह देने से क्या बात खत्म हो जाएगी? अब इसमें इतना भर भेद हम कर सकते हैं, जिसको अपना अगला और पिछला दोनों पता है वो शिव और वो विष्णु। शिव के लिए तो खास करके योग मार्ग में शैवों में, चाहे वो कश्मीर का शैविज्म हो, चाहे वो दक्षिण भारत का हो, उनमें एक वर्ग ऐसा है जो यह मानता है कि जिसने योग और ज्ञान और त्याग की पराकाष्ठा को छुआ वही महादेव हो गया। अभी हम मनुष्य हैं, साधना करके हम देव तुल्य हो सकते हैं, और देव तुल्य होते होते अगर सिद्धि तक पहुंच गए तो फिर तुम ही महादेव हो। सो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनके विषय में विष्णु पुराण और अन्य पुराणों में बाकायदा उनकी उम्र, उनकी एक आयु कैलकुलेटेड है कि इतनी आयु के जब ब्रह्मा होंगे तो फिर वो ब्रह्मा मरते हैं और नया ब्रह्मा होता है। ऐसे ही विष्णु लीन हो जाते, फिर नया विष्णु होता है। ऐसे ही महादेव लीन हो जाते। पर इसको देखो, हम ना मरना कुछ नहीं मानते, विघटन और संयुक्त संगठन, बस दो चीजें। जब अणु जुड़े प्राण सहित तो शरीर बन गया, जब अणु टूटे आपस में सारे, विघटन हो गया, तो आप उसको मृत्यु कहते हो, आप उसको जन्म कहते हो, हम उसको सूक्ष्म का स्थूल हो जाना, स्थूल का सूक्ष्म हो जाना कहते। अब आप अगर नहीं समझते इस विज्ञान को तो कोई क्या मतलब क्या, तो इसको आसान में कर दूं, जिसको इसी ये मतलब पता है वो शिव, वो महादेव, वो विष्णु।